Transparency and information is also one of the important components of governance. Transparency means openness in dealing with public and public opinion. So, iske mutabik transparency mein openness ka hona bahut zaruri hai. Jitne bhi public matters hain ya public opinions hain, unme jab tak openness nahi hogi, aap transparency ko ensure nahi kar sakenge. Transparency is an essential prerequisite for accountability. So, accountability or transparency interconnected hain ya interlinked hain, aur wo ek dusre ke bagair namukammal hain. Until and unless you will not ensure the transparency in the public matters, you can't do the effective accountability. So, transparent governance signifies an openness of governance system through clear processes and procedures and easy access to public information for citizens. So, transparency ke andar, logon ka information ko direct access hona bahut zyada zaruri hai. Uske alawa, hakumat ke jitne bhi mamlaat hain, jo bhi processes aur procedures hain, wo bahut public hone chahiye, open hone chahiye, taaki log unke bare mein easily jaan sakein aur unko unke bare mein clear information ho. For example, agar hakumat ka koi bhi idara kisi recruitment process mein involve hota hai, to wo uska ek function hai jo wo perform karta hai, aur usme general public involve hoti hai, kyunki wo logon ko recruit kar rahi hoti hai as per the set criteria, jo bhi un jobs ke liye zaruri hota hai. So, us criteria ko डिटेल में लोगों को बताना, पब्लिक करना, और वो प्रोसीजर्स क्या होंगे जिनकी थ्रू रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, वो बताना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशंस एड में देनी ज़रूरी होती हैं ताकि वही लोग अप्लाई कर सकें जो उस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं. इसी तरह जो रिक्रूटमेंट के दूसरे प्रोसेसेस होंगे या सिलेक्शन के दूसरे प्रोसेसेस होंगे कि सिलेक्शन किन प्रोसेसेस से गुजर कर होगी, उनमें टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, वो सब भी लोगों को बताने ज़रूरी हैं ताकि उनको ट्रांसपेरेंसी को उन सारे मामलात में इंश्योर किया जाए. ट्रांसपेरेंसी का एक और इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो आम आवाम तक, और हकूमती इदारों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो उनको बहुत ईजीली एक्सेस कर सकें. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर इंश्योरिंग द गवर्नमेंट मैटर्स ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंसी में अगर इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल ना बनाया जाए तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होती. इसके लिए लीगल कवर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और हकूमतें जो हैं वो उसके लिए लॉज पास करती हैं. अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2013 में पास हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको जो है वो अपनी हकूमतों का हिस्सा बनाया इस एक्ट को पास करके, जिसके मुताबिक वहाँ उन प्रोविंसेस के लोग अगर हकूमत के किसी भी इदारे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो उस एक्ट के थ्रू ये क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इदारा जो है वो उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करे, और अगर वो नहीं करता तो उस पर लीगल बाइंडिंग्स होंगी और वो लाइबल होगा लीगली कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. सो वो एक लीगल कवर प्रोवाइड किया गया लोगों के इस राइट को सिक्योर करने के लिए और हकूमती इदारों को इंश्योर करने के लिए कि वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लोगों को मुहैया करें. इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो नेशनल सिक्योरिटी में आते हैं, सो वो एक लाइंस डिफाइन की गई हैं कि किन इदारों से इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएगी, और जो मामलात नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं उनको पब्लिक इस तरह से नहीं किया जाएगा. Transparency can be ensured and effective through political commitment, supportive institutions, strong civil society and free media. So transparency ko ensure karne ke liye in sab elements ka apna role ada karna bahut zyada zaruri hai, jisme hukumat ki support bhi bahut zaruri hai aur jitne bhi hukumati idare hain unki commitment aur unki support ki wajah se transparency ensure ho sakegi, kyunki jab tak wo apne mamlaat ko open nahi rakhenge, वो अपनी इन्फॉर्मेशन्स को पब्लिक नहीं करेंगे, वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन को इजी एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे, तो लोगों के लिए उसको एक्सेस करना भी मुश्किल होगा और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना भी मुश्किल होगा. दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फ्री मीडिया. मीडिया की इन्वॉल्वमेंट
एक बेसिकली ब्रिज का रोल प्ले करती है बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. और मीडिया की थ्रू, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मीडिया की थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है. सो फ्री मीडिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए. और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो सिविल सोसाइटी का है. आपकी सिविल सोसाइटी जितनी एक्टिव होगी, डायनामिक होगी, मैच्योर होगी, वो उतना मैच्योर रोल प्ले करेगी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. वो ये इंश्योर करेगी कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही पहुंच रही है या नहीं, या जो इन्फॉर्मेशन गई है वो कोई इस तरह का बिगाड़ ना सोसाइटी में पैदा करे. सिमिलरली लोगों का एजुकेट, लोगों को एजुकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी सिविल सोसाइटी का रोल है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मीडिया के थ्रू मिल रही है वो उसको फिल्टर कर सकें कि वो रेलेवेंट है या नहीं है. सो ट्रांसपेरेंसी इज़ एन इफेक्टिव टूल टू डील विद द करप्शन, क्योंकि जब आपके मामलात बहुत शफाफ होंगे, लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, और अगर उसमें कोई बिगाड़ लोगों को नज़र आता है तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल कर सकेंगे. सो इसी तरह करप्शन के एलिमेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है.